अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार सी हॉट विंग्स की रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं जी। सबसे पहले मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा जी, बहुत ही सिंपल सी मैरिनेशन है, बड़े ही जबरदस्त विंग्स बनते हैं। थोड़ी सी चीजें आपने लेनी है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना 1 kg ले लिए हैं विंग्स, ठीक है। इन्हें अच्छे तरीके से धो लिया है। उसके बाद इसके अंदर जाएगी 1 tsp पिसी हुई सुरख मिर्च, ठीक है जी। 1 tbsp अदरक और लहसुन का पेस्ट, आप पेस्ट से हट के अदरक और लहसुन का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 tbsp ही सॉल्ट है, ठीक है जी। और एक इसके अंदर जाएगा अंडा, ठीक है जी। अभी सबसे पहले आपने एक बड़ा बॉल ले लेना है, उसमें डालने हैं आपने अपने सारे जो है ना विंग्स, ठीक है जी। चले जी, विंग्स डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 tbsp सॉल्ट, ठीक है जी। 1 tsp पिसी हुई सुरख मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 tbsp, आप पेस्ट की जगह पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और 1 अदद अंडा ये ले जी। बस ये सिंपल सी मैरिनेशन है, इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है विंग्स के ऊपर, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कोट हो जाएं। आपने इनको, मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ, इसको आपने मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रखना है। चले जी, मैंने सारे जो स्पाइसेस डाले थे ना, उन्हें मैंने अच्छे तरीके से विंग्स के ऊपर कोट कर दिया, इसे मिक्स कर दिया। ये मैं रखने लगी हूँ 2 घंटे के लिए। आपने इस तरह से विंग्स को मैरिनेट करके 2 घंटे रखना है। और इसके बाद इसकी कोटिंग कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ जी, हम लोगों ने विंग्स 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखे थे। अब एक खुले बर्तन में ले लिया है मैदा, और ये 2 बड़े कप है मैदे के। इसमें हम सबसे पहले ना अच्छे तरीके से सारे जो विंग्स हैं उन्हें कोट करेंगे। आपने इतना अच्छा कोट करना है कि इसके अच्छे क्रम्स बनने चाहिए। अभी जी हम लोग विंग्स इसमें कोट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, इसकी ना 2 स्टेप पे कोटिंग है। सबसे पहले आपने मैदे में ना अच्छे तरीके से विंग्स को कर लेना है कोट। देखिए किस तरह अच्छे क्रम्स बने हैं। एक दफ़ा कोट करने के बाद यहाँ मैंने लिया है ठंडा पानी, ये यख ठंडा पानी है। आपने सारे जो विंग्स हैं ना इस तरह कोट किए हुए ठंडे पानी में डिप करके निकालने हैं। यहाँ सारे विंग्स जो हैं ठंडे पानी में डिप किए थे। अब हम इसी तरह इसे ठंडे पानी से निकालेंगे, और ये जो मैदा बच गया है ना, हम इसके अंदर डाल के इन्हें दोबारा अच्छे तरीके से कोट करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। ठंडे पानी से निकाल के हमने सारे विंग्स जो है ना वो मैदे में डाले, और आपने अच्छे तरीके से इसे कोट करना है ताकि अच्छे इसके क्रम्स बने। अभी हम लोग सारे निकाल के इस प्लेट में रखेंगे और फिर आपको दिखाएंगे फ्राई करते हुए। इस तरह से फाइनल आपकी कोटिंग हो जाएगी सारे विंग्स की। आप सारे विंग्स को कोट करके रख लें। आप इन्हें फ्रीज करके स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए। जब मर्जी आप फ्रीजर से निकालें और इन्हें एज इट इज़ फ्राई कर लें। अभी हम सारे विंग्स कोट करेंगे और फिर इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ जी, हम लोगों ने सारे जो विंग्स हैं कोट कर लिए, अभी हम इसे फ्राई करेंगे। आपने मीडियम आंच पे इन्हें फ्राई करना है ताकि जो कोटिंग है वो भी अच्छी तरह से पके, चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। अभी जी इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं। माशाल्लाह जी, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त विंग्स रेडी हो गए हैं, और बहुत इजी हैं। बस मैरिनेशन पे टाइम लगता है कि आप 2 या 4 घंटे कर लें, ओवरनाइट कर लें, और इसी तरह से आप कोट करके इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, फ्राई कर लें। और आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त कलर आया और कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रम्स बने हैं इसके। आई होप आपको हमारी आज की हॉट विंग्स की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।